हेलो स्टूडेंट्स, मैसेल्फ दीप्ति रंगनानी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. एंड इन दिस सीरीज टुडे वी विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन, तरंग फलनों के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना. हम ऊर्जा को इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं. E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल एच शाई डी लैम्डा अपॉन शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल इंटीग्रेशन डी लैम्डा. अब इसमें अगर हम शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो है सी वन शाई ए प्लस सी टू शाई बी. इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होती है, जैसे कि इसमें सेकेंड इक्वेशन में दिखाया गया है. अब इस इक्वेशन में अगर हम दो ब्रैकेट्स हैं उनको h को लेते हुए अगर हम उसको खोलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर थर्ड प्राप्त होती है. और इस इक्वेशन को हल करने के लिए हम निम्नलिखित मान या अग्रलिखित मान मान सकते हैं, जैसे एच ए बी हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ शाई ए एच शाई बी डी लैम्डा इज इक्वल्स टू शाई बी एच शाई ए डी लैम्डा होता है. इसी तरह से एच ए ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ शाई ए एच शाई बी डी लैम्डा होता है. और एच बी बी इज एच ए ए में दोनों शाई ए ए आएंगे और एच बी बी में दोनों शाई बी आएंगे. और एस ए बी में इंटीग्रेशन ऑफ शाई ए शाई बी डी लैम्डा इज इक्वल्स टू वन होता है ए इज इक्वल्स टू बी के लिए. अगर हम इसके मान वो पहले वाली इक्वेशन में रखते हैं तो हमें ई के मान प्राप्त होते हैं, ई इज इक्वल्स टू सी वन स्क्वायर एच ए ए प्लस टू सी वन सी टू एच ए बी प्लस सी टू स्क्वायर एच बी बी अपॉन सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू एस ए बी. एच ए बी और एच बी बी को कूलम्ब इंटीग्रेशन और एच ए बी को रेजोनेंस इंटीग्रल और एस ए बी को ओवरलैप इंटीग्रल कहते हैं. ओवरलैप जो इंटीग्रल है वो दो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन की जो एक्सटेंट सी ओवरलैपिंग है उसको नापता है और जो कि बंद की स्टेबिलिटी या उसकी मजबूती बताते हैं. वेरिएशन थ्योरम के अनुसार सी वन और सी टू के सही मान वे होंगे जो कि ई के निम्नतम मान देते हैं. और ई के निम्नतम मान के लिए ई के वैल्यू को हम सी वन और सी टू के सापेक्ष फर्स्ट डिफरेंशियल करके जीरो के बराबर सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है, डेली अपॉन डेल सी वन इक्वल टू जीरो, डेली अपॉन डेल सी टू इक्वल टू जीरो. तो अगर हम ई वाली इक्वेशन का सी वन के सापेक्ष डिफरेंशियल करें, जो कि इक्वेशन नंबर 10 का हम डिफरेंशियल कर रहे हैं सी वन के सापेक्ष, तो हमें इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त हो रही है, उसको हमें जीरो सब्सटीट्यूट करना है. इक्वेशन नंबर वापस से 10 का सी टू के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, इक्वेशन नंबर 12 प्राप्त हो रही है, उसको भी हम जीरो के बराबर सब्सटीट्यूट करेंगे. और उन जो ये इक्वेशंस हैं इनमें हमें पता है कि डिनोमिनेटर जो है ना कभी शून्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें न्यूमरेटर को शून्य करना पड़ेगा. और न्यूमरेटर को शून्य करने पर हमें इक्वेशन नंबर 13 और 14 प्राप्त हो रही है. और जो इक्वेशन नंबर 13 एंड 14 हैं उनको हम सिक्युलर इक्वेशंस कहते हैं. और इन सिक्युलर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में, दिखाया गया है इक्वेशन नंबर 15 में, एच ए ए माइनस ई एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच बी बी माइनस ई. एक मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा मैट्रिक्स होगा सी वन सी टू, और इसको हम जीरो के बराबर सब्सटीट्यूट करेंगे. और इनको हल करने के लिए हम ये मानते हैं कि जो मिश्र गुणांक हैं, जो आर्बिट्री कोफिशियंट्स हैं सी वन सी टू, वो शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए सी वन सी टू के गुणांक को डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर होगा. अतः जैसे सी वन सी टू जीरो नहीं है तो जो डिटर्मिनेंट है एच ए ए ई एच ए बी ई एस ए बी एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच बी बी माइनस ई, ये जीरो के बराबर होगा. और हाइड्रोजन अणु आयन के लिए जो दो परमाणिक कक्षक जो कि मिश्रित हुए हैं वो एक जैसी प्रकृति के हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एच ए ए इक्वल टू एच ए बी. इसलिए जो इक्वेशन 16 का जो हल है वो हमें प्राप्त होगा एच ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच ए बी माइनस ई एस ए बी होल स्क्वायर. और इस होल स्क्वायर को हटाते हैं तो इक्वेशन हमें प्लस माइनस दो रूट्स प्राप्त होंगे, 18 इक्वेशन के अनुसार हमें प्राप्त होंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन को ई एस इज इक्वल्स टू ई प्लस इज इक्वल्स टू ई वन इक्वल टू एच ए ए प्लस एच ए बी अपॉन वन प्लस एस ए बी. और दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं ई ए इज इक्वल्स टू ई माइनस इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू एच ए ए माइनस एच ए बी अपॉन वन माइनस एस ए बी. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई एस इज इक्वल टू ई प्लस इज इक्वल टू ई वन या ई ए इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई माइनस. और जो ई एस और ई ए है वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एनर्जी लेवल्स होते हैं.
अब इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन या आणविक कक्षकों के तरंग फलन। हमने इक्वेशन नंबर 13 में देखा था कि C1HAA-E प्लस C2HAB-ESAB इज इक्वल टू जीरो होता है। उसमें इक्वेशन नंबर 18 में अगर हम मान रखते हैं E1 के लिए तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है C1HAA-E1 प्लस C2HAB-E1SAB इज इक्वल टू जीरो। और उसमें अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो लास्ट में हमें इक्वेशन प्राप्त होगी C1HAB-E1-HAB-C2SAB-E1-HAB इज इक्वल टू जीरो। और इसमें अगर हम SAB-E1 का माइनस HAB का से डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी C1-C2 इज इक्वल टू जीरो, या हम इसको लिख सकते हैं C1=C2। और इसी तरह से E2 के लिए हमें इक्वेशन प्राप्त होगी C1=-C2 या C1=±C2। अब जो रूट E1 और E2 है उनसे जो संबंधित आणविक तरंग फलन होते हैं वो हैं Psi1=C1Ψa+Ψb और Psi2=C1Ψa-Ψb। C1 का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ शाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डी लैम्डा इज इक्वल टू C1Ψa+C2Ψb का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी लैम्डा इज इक्वल टू 1। और इसको हम पहले एक्सपेंड करके लिखेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हम लिखेंगे C1² + C2² + 2C1C2SAB इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से हमें मान प्राप्त होगा जब C1=C2 अप्लाई करते हैं तो C1=1√2SAB प्राप्त होता है, और अगर C1=-C2 अप्लाई करते हैं तो C2=1√2-SAB प्राप्त होता है। और C1 का मान अगर हम इक्वेशन 20 और 21 में रखते हैं तो जो प्रसामान्यीकृत आणविक फलन है जो कि E1 और E2 से संबंधित हैं वो प्राप्त होंगे हमें Ψs=Ψ1 और Ψa=Ψ2। और यहाँ से E1=HAA+HAB1+SAB, H2=HAA-HAB1-SAB। इसी तरह से इस दोनों आणविक कक्षकों Ψ1 उनकी एनर्जी E1 और E2 के रूप में हम फिगर जो राइट हैंड साइड में दिखाया गया उसके अनुसार फ्रेम कर सकते हैं। और जब नाभिक A और B के मान बदले जाते हैं तो Ψ1 के मान अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि Ψ2 के जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। अतः Ψ1 को हम सिमेट्रिक आणविक तरंग कक्षक तरंग फलन Ψs और Ψ2 को हम एसिमेट्रिक आणविक कक्षक तरंग फलन Ψa से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।